टेरिटोरियल आर्मी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप है और आपको यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा ऑनलाइन मोड से, आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा टीए की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। टीए आर्मी रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी कि टीए आर्मी की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी पूरे भारतीय कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। कितने यहाँ पर आपके हाइट होने चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितने आपको यहाँ पर दौड़ लगानी होगी, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा वो टेरिटोरियल आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई, यानी टीए आर्मी की ओर से यहाँ पर भर्ती चलेगी। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, तो नोट मेंशन नहीं बताया कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। और कभी भी इंडियन आर्मी जब भी नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें मेंशन नहीं करता है कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर टीए की वैकेंसी आती है वो आपको आपको यहाँ पर जोन के अनुसार ही आपको वैकेंसी दी जाती है, यानी कि अलग अलग जोन में यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ के अंतर्गत आपको वैकेंसी दी जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। भारतीय किसी भी कोने से महिला और पुरुष कैंडिडेट इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जो आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर होंगे, यानी कि जहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा उसकी डिस्ट्रिक्ट और आपको यहाँ पर स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। जैसे कि जयपुर, पुणे, बेंगलुरु, आपको यहाँ पर श्रीनगर आदि सभी डिस्ट्रिक्ट करीब करीब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहीं पर बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5600 से लेकर 1,70,500 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। यानी कि अगर आप NL, OBC, SC, ST, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और आपको जो फीस पे करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा ही आप यहाँ पर इसको पे भी कर पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 42 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई तक की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई को आपकी जितने 18 से कम हो ना 42 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाती है SST वालों को 5 ईयर की, OBC वालों को 3 ईयर की, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती में लागू नहीं होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, नहीं किसी प्रकार कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ भी आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। इस भर्ती का जो रनिंग टेस्ट होगा वो यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगा। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, यानी कि इन डॉक्यूमेंट की जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, जब आपके पास फोटो होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और ID नहीं दे सकते, यानी कि आधार कार्ड का होना बेहद
जरूरी है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर हमने सिंपल 10वीं 12वीं बैचलर डिग्री डिग्री कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले पाए, यानी कि ऑनलाइन मोड से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न होगा, यानी जो सिलेबस होगा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50-50 मार्क के आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी जो आपका टोटल एग्जाम होगा 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। टोटल आपके यहाँ पर 2 घंटे आपका एग्जाम चलने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा। जो लैंग्वेज होगी एग्जाम की हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। इस भर्ती का ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन फिल करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन रीड करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे, जहाँ पर लिखा हो हाउ टू अप्लाई, यानी कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आपको यहाँ पर इसमें सभी प्रकार की वैकेंसी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। जैसे कि इस भर्ती का एग्जाम पैटर्न, यानी जो सिलेबस होगा, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे, कहाँ आपका एग्जाम सेंटर रहेंगे, सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अगर जो आपका यहाँ पर एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 42 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं। और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। टेरिटोरियल आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, 1 जुलाई से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 30 जुलाई तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी बताया गया है, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आपको जो वैकेंसी दी गई है ऑफिसर रैंक की, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।